बीटीपी डिजिटल एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे जैसा कि आप लाइन में देख पा रहे होंगे, फंस गया चना तेल, नहीं मिलेगा टेबलेट। जी हाँ, एक बार सभी छात्रों के मन में फिर से बहुत ज्यादा संशय और बहुत ज्यादा हताश हो गया है एक बार सभी छात्र। जी हाँ, यहाँ पे जैसे ही अब टेबलेट मिलना स्टार्ट हुआ था, सारे छात्रों को मिलना, लगभग फाइनल ईयर वाले छात्रों को मिल ही रहा था कि आचार संहिता लागू हो गया। और इतनी जल्दी आचार संहिता लागू होने के कारण अब देखिए ये क्या क्या हो रहा है। जी हाँ, आपके टेबलेट मोबाइल इतनी सारी जो उम्मीदें लगी थी वो क्या पूरी हो पाएंगी या नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या आपको इस बीच टेबलेट दिया जाएगा या नहीं, ये भी हम देखेंगे। क्या अन्य जो भी कॉलेजेस हैं उनको मिलेगा मोबाइल या टेबलेट या नहीं, ये भी हम देखेंगे। आचार संहिता में क्या चीज नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं विधानसभा चुनाव में आचार संहिता शनिवार से ही लागू हो गई। और लागू होने के बाद ही जो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो चना और वो मिल रहा था पैकेट नमक का, उसमें मोदी और योगी जी का फोटो है। और आचार संहिता में फोटो प्रदर्शन जो होता है बैनर या पोस्टर के द्वारा, वो कुछ भी नहीं हो पाता, तो इसलिए सीधा सीधा उन सबको तो रोक दिया जाएगा। हालांकि अभी वितरण जो पहुंच चुका है कोटेदारों तक या सभी, वहां पे तो वितरण हो जाएगा, लेकिन अभी पचास फीसदी गोदाम राशन में ही मिल सके हैं, तो सोचिए बाकी जो मिलेंगे उनमें ये नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया। और दूसरी चीज अब आ जाते हैं हम भैया थोड़ा कि पहले चरण के वितरण में राशन के साथ 1 किलो चना, नमक, तेल आज के पैकेट मुफ्त में मिल रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का फोटो था, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का फोटो था। और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से योगी और मोदी के फोटो वाले पैकेटों के वितरण पर रोक लगाना तय है। तो इस कारण फिलहाल ये वितरण तो अब रोक ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो टेबलेट और मोबाइल मिल रहे हैं उनमें भी फोटोज हैं, तो इसके कारण वहां पे भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दे, जी यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में आचार संहिता ने मेधावियों को दिया झटका, अब सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब मेधावियों में मतलब उन सभी छात्रों की बात की जा रही है जिनको टेबलेट या मोबाइल दिया जाना था। अब मोबाइल आ चुका है, टेबलेट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंच चुका है, लेकिन वितरण नहीं हो पा रहा है। वितरण इसलिए क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसे पूरी जानकारी इससे रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पे आचार संहिता के चलते मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण पर रोक लगा दी गई है। जिले भर में 35,000 टेबलेट व स्मार्टफोन का वितरण होना था और इसके वितरण के लिए सामग्री भी उपलब्ध हो गई थी। सभी मेधावी को मैसेज भी अवगत करा दिया गया था, जिससे मेधावी खुश थे और बेसब्री से उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आचार संहिता ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, प्रशासन ने वितरण में आए सामानों को स्टोर में सील करवा दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये सभी छात्रों के लिए जो भी मेधावी थे, चाहे आईटीआई के हों या फिर डिग्री कॉलेज के, उन सभी छात्रों को जो है टेबलेट और स्मार्टफोन देने का वादा था। और जिसमें सभी जिलों के जो है मेधावी छात्रों का डाटा भी कलेक्ट कर लिया गया और उनसे रिलेटेड उनके लैपटॉप टेबलेट भी भेजे गए, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण जो है उसका वितरण रोक दिया गया है। और स्मार्टफोन का जिसमें कुछ दिन पहले ही JS हिंदू PG में 200 बच्चों को लखनऊ के स्मार्टफोन लेने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाया गया था, उन्हें वितरण किया गया था। इसके बाद विद्यालय स्तर पर टेबलेट और स्मार्टफोन जो है उपलब्ध कराया गया था, जिसमें मेधावी को WhatsApp के माध्यम से योजना का चयन भी दे दिया गया था। 1 या 2 दिन के में टेबलेट और मोबाइल वितरण होने वाला था कि बेसब्री से इंतजार था, लेकिन फरवरी में आगामी विधानसभा चुनाव होने के कारण इस पर रोक लगा दिया गया है और मेधावी को टेबलेट और स्मार्टफोन पर रोक लगा दिया गया है। प्रशासन ने इंटर कॉलेज में रखे टेबलेट और स्मार्टफोन को स्टोर रूम में सील करवा दिया है और अपर जिला अधिकारी एवं वित्त एवं राजस्व
भगवान सर ने बताया कि 35,000 मेधावी टैबलेट स्मार्टफोन के लिए चयनित किया गया था और वितरण सामग्री आ गई है, लेकिन आचार संहिता के चलते इनके वितरण पर रोक लग दिया गया और सामग्री को सुरक्षित रूप से सील करवा दिया गया है। ठीक है, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है छात्रों के मन में कि क्या उनको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं, सबसे ज़्यादा सवाल यही है और वो परेशान है इसको लेके। तो मैं बताना चाहूँगा जो नियम लागू हो गया है वितरण का, जितने छात्रों की लिस्ट बन चुकी है और जिनके लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन भेज दिए गए हैं, तो उन सबका कहीं नहीं जाने वाला। वो जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा उन बच्चों को वितरण कर दिया जाएगा, तो मिलेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब तुरंत जो मिलने वाला था इसमें आपको डिले मिलेगा। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपके यहाँ अभी भी वितरण हो रहा है या रोक दिया गया है, और अब जो मिलने की संभावनाएं हैं चुनाव बाद ही है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका अगर चयन हुआ है, आपके नाम का आया है सब कुछ स्मार्टफोन या टेबलेट, तो आपको मिलेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। नमस्कार, बाय।